हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं नेहा दमायास चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में गाइस मैं आपको वैद्यनाथ ब्रांड के गुड्स च्यादी घनवट्टी के बारे में रिव्यू दूंगी। इसके बारे में बताऊंगी कि ये घनवट्टी आपके शरीर को, आपके बॉडी को किस तरीके से फायदा देती है। डिटेल में गाइस आज अपन इसका रिव्यू करेंगे, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, यूजेस, प्राइस, डोज, इन सबके बारे में। तो गाइज यदि आप अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं या फिर बार बार होने वाले जुकाम, खांसी, बुखार जैसी समस्या से परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो पूरी वीडियो को देखना ना भूलें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए गाइज अपन बिना टाइम वेस्ट किए अपन बात कर लेते हैं गुड्स ज्यादा घनवट्टी के बारे में, जिसको वैद्यनाथ ब्रांड द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। इसका उपयोग गाइज आपकी जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में ये बहुत अच्छे से मदद करता है। बार बार होने वाले जुकाम, खांसी, बुखार जैसी समस्या से आराम देगा और शरीर की जो ताकत है उसे भी बढ़ाने में मदद करता है। इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें तो इसमें कोई भी ऐसा हार्मफुल केमिकल नहीं है जो आपके शरीर को कोई नुकसान पहुंचाए, बल्कि आपके शरीर को वायरल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। इसके अंदर कंपोजिशन गिलोय घन 250 mg, गोरा खा मुंडी 50 mg, आंवला 50 mg, अश्वगंधा 50 mg। ये गाइस एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है, जो शरीर की ताकत को बढ़ाने में मदद करता है, वर्किंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करने में मदद करेगा। इसके साथ साथ ही डोज की बात करें तो डेली आपको एक टेबलेट लेनी है इसकी, पानी के साथ में, या फिर एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि किस तरीके से सेवन करना है, किस तरीके से नहीं करना। क्योंकि गाइस हर किसी की बॉडी की स्थिति अलग अलग होती है, मेडिकल स्थिति अलग अलग होती है, किसी को फायदा देती है तो किसी को नुकसान भी कर सकती है। इसीलिए डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, ना ही आप इसे ओवरडोजेस लें। आप बोलेंगे कि इसको हम कहाँ से खरीदें, तो गाइस आप इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं, मार्केट से परचेज कर सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे आप इसको वहां से खरीद सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो गाइस आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जहां भी आपको सस्ता अफोर्डेबल मिले आप इसे वहीं से परचेज करें। वैसे तो गाइस हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्रोडक्ट का लिंक मेंशन कर रखा है, तो अगर आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके भी इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। प्राइस की बात करें तो 60 टैबलेट गाइस आपको 220 रुपए में मिलेंगी। पर याद रखें गाइस, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें तो सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आप जरूर चेक कर लें। कुछ लोग गाइस एक्सपायरी डेट देखे बिना ही प्रोडक्ट को परचेज तो कर लेते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें साइड इफेक्ट होने लगते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि आपने गाइस एक एक्सपायरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है तो ऑब्वियसली बात है उसका साइड इफेक्ट तो होना ही होना है। तो हमेशा याद रखें कि हाँ, जो भी प्रोडक्ट परचेज करें तो सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट तो अपन को चेक करनी है। वैसे तो गाइज ये घनवट्टी आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन इसे इस्तेमाल में लेने के बाद अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो रही हो तो उसी टाइम इसे इस्तेमाल में लेना बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। दूसरी बात गाइज, ओवरडोसेस आपको नहीं लेना, या फिर आप पहले से किसी अन्य प्रकार की दवाई या टेबलेट को ले रहे हैं शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, या फिर आप पहले से किसी अन्य प्रकार की बीमारी से सफर कर रहे हैं, तब भी डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना इस घनवट्टी का इस्तेमाल आप न करें। सो गाइज आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहूंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे, नई नई जानकारियां मिलती रहे। और गाइस बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे और इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपका कंफ्यूजन दूर होता रहे। फिर भी गाइस अगर आपको इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग या किसी अदर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी जाननी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी जाके कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। सो गाइस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।